बॉलीवुड में आना और अपनी पहचान बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल काम है कि आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के मुताबिक है। ना जाने हर साल यहाँ पे इस इंडस्ट्री में करोड़ों चेहरे आते हैं और इस भीड़ में गुम हो जाते हैं। कुछ एक ही चेहरे होते हैं जो इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं में से एक, सुशांत सिंह राजपूत, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, ये दुख भरी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने अपने घर पे सुसाइड कर लिया है, उन्होंने 2009 में पवित्र रिश्ता से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। पवित्र रिश्ता से शुरुआत करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ रुख किया और 2013 में काइपो ची फिल्म से अपने बॉलीवुड कैरियर के डेब्यू किया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से नॉमिनेशन भी मिला बेस्ट मेल डेब्यू का, और इसी साल उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस फिल्म भी की। इसके बाद उन्होंने अपने कैरियर में 2015 में एक डिटेक्टिव मूवी की, डिटेक्टिव ब्योमकेश मक्षी, और अपने कैरियर की सबसे उम्दा फिल्मों में से एक महेंद्र सिंह धोनी के लाइफ के ऊपर बेस्ड MS धोनी फिल्म में काम किया। 2018 में उन्होंने केदारनाथ मूवी में काम किया और लास्ट उनकी जो फिल्म रिलीज हुई थी वो थी छिछोरे 2019 की। अपने कैरियर में उन्होंने टोटल 11 फिल्मों में काम किया, जिसमें से कि पीके, राबता, छिछोरे सबसे बड़ी हिट फिल्म उनकी मानी जाती है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के न्यूज हमारे लिए एक झटके की तरह है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में बॉलीवुड के कई ऐसे सितारे हमें छोड़कर जा चुके हैं। पिछले 2 महीनों में इरफान खान, ऋषि कपूर और उसके बाद वाजिद खान जो हैं वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। सुशांत सिंह की जो एक्स मैनेजर थी दिशा सलीन, उनकी डेथ की न्यूज़ भी इसी हफ्ते के शुरुआत में आई थी। दिशा ने अपने अपार्टमेंट के 14वें फ्लोर से कूद कर अपनी जान दे दी थी, सुसाइड कर लिया था उन्होंने भी। सुशांत सिंह के जाने की न्यूज़, उनके सुसाइड की न्यूज़ हमारे बॉलीवुड में एक शॉक की तरह है। कई सितारे हमारे बॉलीवुड के, उन्होंने अपना जो दुख है वो जाहिर किया है। उनको ये यकीन नहीं हो रहा कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे हैं। पता नहीं वो क्या रीज़न रहे होंगे कि सुशांत को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ गया। सुशांत सिंह राजपूत का जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो था दिल बेचारा, जो कि एक कमिंग एज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो बेस्ड है जॉन ग्रीन के 2012 के नोवेल द फॉल्ट इन आर स्टार्स। सुशांत एक ऐसा सितारा जो उभर रहा था और बीच में ही हमें छोड़कर चला गया। इस दुख के साथ मैं आज की वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।